हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं वीकली क्लीनिंग टिप्स लेके आई हूँ, जो हमारे घर को और किचन को हमेशा साफ रखता है और हमेशा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर और सुव्यवस्थित लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला है ये हमारा जो सिंक एरिया होता है, हम अक्सर होता है कि हम ऊपर की जो डेली क्लीनिंग जो है सिंक के अंदर का हम कर देते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट जब मैं साफ़ कर रही हूँ इसके ऊपर बहुत ही कम ही ध्यान हमारा जाता है और ये देखने में काफ़ी गंदा भी लगता है। तो बेटर है कि जब हम ऊपर का जब साफ़ करें तो उसी समय नीचे का भी क्लीन हमें कर देना चाहिए, और इससे कर देने से काफ़ी वो जो है हमेशा चमकता रहेगा। और उसी के पास जो टोटी वगैरह है उसी से गीले कपड़े से ही हम इसकी जो है हल्की सी वाइप कर देंगे तो इससे भी वो काफ़ी जो है साफ सुथरा रहता है। और जो बेसिन का एरिया है ये एक हफ्ते तक आपको हमेशा साफ नीट एंड क्लीन मिलेगा। जो सिंक है मेरा उसी के पास मैंने अपना वॉशिंग मशीन रखा है तो उस पर तो मैं डेली जो है अपना जब भी कुछ पोछती हूँ, जैसे सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, तो उसको भी पोछ देती हूँ मैं, तो वो हमेशा साफ ही रहता है। उसके बाद ये लास्ट में मैं यहाँ पे न्यू धुला हुआ टॉवल रख दे रही हूँ ताकि जब भी कोई आए तो अपना हाथ अच्छे से पोछ ले। और एक यहाँ पर मनी प्लांट का नेचुरल रख दिया है और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्लीनिंग हो गई। तो इस तरह कर देने से ना हमारा जो वीकली का जो क्लीनिंग है वो काफ़ी आसान हो जाता है और नीचे का पार्ट कभी हमारा ध्यान जो है वो नहीं जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा जो घर है और ये सिंक एरिया हमेशा साफ साफ दिखेगा। अगला है थोड़ा मैं मंदिर के बारे में थोड़ा सा क्लीनिंग टिप्स दूंगी जो मैं अप्लाई करती हूँ। और कभी कभी होता है कि हम पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद जो इसकी तीलियाँ होती हैं और जो फूल होते हैं हम इधर उधर जो है इसको फेंक देते हैं। और ये काम जो होता है अगर एक पर्सन करता है घर में तो वो जो है हर मेंबर करता है और नीचे इस तरह से फर्श पे फेंक देते हैं मंदिर की सफाई वगैरह करने के बाद। तो इसका जब आपको टाइम मिलेगा तभी आप अपने इसको इस एरिया को आप क्लीन कर पाएंगे या हाथ से उठाएंगे या फिर जब झाड़ू लगाएंगे तब करेंगे। तो इसमें जो है देखने में भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता और इसका जो एरिया है वो हमेशा जो है वो गंदा ही रहता है जब तक झाड़ू पोछा हम ना कर लें। तो इससे सबसे बढ़िया उपाय ये है कि इस तरह का अभी मैं दिखाऊंगी। तो जो है डब्बा, जो हमारे घर में कोई भी डब्बा हो आप अपने किचन से ले सकते हैं और जब भी दिया जलाएं या मंदिर की सफाई करें, जो फूल वगैरह हम चढ़ाते हैं उसको भी हम इसी में रखते जाएं। इससे ये होगा कि जो भी हमारा ये एरिया है, पूजा का एरिया जो है वो गंदा नहीं होगा और आपको जो है अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी फ्री हो तब इस एरिया को क्लीन कर दीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरह से चीज़ें गंदी भी नहीं होंगी और हमेशा ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और जब भी आप पूजा करिएगा तो एक शांति मन से और हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी होता है।
क्योंकि मंदिर एक ऐसा हमारा कोना होता है हमारे घर का जो हमेशा साफ और सुथरा रहना चाहिए, और जब भी हम देखें मन को एक सुकून मिले और हर चीज़ व्यवस्थित से रहे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह से भी आपका जो मंदिर का एरिया हमेशा साफ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन रहेगा। अगला एरिया है ये जो मैं अपना आज मैं इसमें अपना राशन भरूंगी यानी आटा इसमें मैं भरूंगी। तो इसकी एरिया की जो क्लीनिंग होती है हम या तो वीकली करते हैं या महीने में एक बार करते हैं। तो इसको जो है जब भी हम आटा अपने ड्रम में रखें तो इसका जो पार्ट होता है जो आसपास का जो एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन करके तब हमें फिर जो हम आटा स्टोर करते हैं चावल स्टोर करते हैं तो इस तरह से करके सफाई करके ही हमें यहाँ पे चीज़ों को रखना चाहिए। अदरवाइज़ हम फिर उसी में भर देंगे तो एरिया भी नीट एंड क्लीन रहे नहीं रहेगा और हमारा किचन हमेशा जो है वो गंदा भी दिखेगा। तो ऐसा कर देने से हमारा जो ये जो एरिया होता है जहाँ पे हम अपना आटा रखते हैं और जो भी हम जब भी इसमें हम फील करते हैं तो उसको आसपास के एरिया को हमें अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए और हमेशा जो है ये नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको ज़्यादा जो है किचन में एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और महीने भर तक आपका जो है ये एरिया हमेशा साफ रहेगा। अदरवाइज़ झाड़ू पोछा तो डेली होता ही है लेकिन मैं अंदर की बात कर रही हूँ, जो हमारे अंदर जो गंदगी होती है वो चीज़ हमेशा नहीं होगी। तो जब भी आप फील करें आप इस तरह से क्लीनिंग ज़रूर करें अपने डब्बों का जो भी स्टील के डब्बे वगैरह है और आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन और सुव्यवस्थित दिखेगा। अगला है मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव को लेके बताऊंगी टिप्स। ये जो हम मैं अभी यहाँ पे आलू टमाटर बॉयल कर रही हूँ भरता बनाने के लिए, तो जब भी मैं इस तरह से कुछ करती हूँ बॉयल करती हूँ या गरम करती हूँ तो उसको मैं ढक करके ही बॉयल करती हूँ। ऐसा इसलिए कि अगर हम ढकेंगे नहीं तो जब भी ये बॉयल होंगे या जो भी होगा तो इसके आसपास के जो एरिया हैं वो जो है गंदगी हो जाएगी और हमें फिर एक्स्ट्रा जो है उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि प्रॉपर क्लीनिंग हम कर पाएँ, लेकिन अगर ये आप कुछ भी बॉयल करिए तो इस तरह से अगर कुछ ढक करके बॉयल करते हैं तो ये जो है पार्ट जो एरिया है आपका जो हमेशा साफ रहेगा और हमेशा जो है नीट एंड क्लीन रहेगा। बस ये आगे वाला जो पार्ट है उसको हम हल्का सा वाइप मार दें जब हम उसमें से सामान निकालें, जब हमारा जो भी चीज़ हम गर्म कर रहे हैं वो हो जाए तो उसके बाद सारी जो है एक बार अंदर से इस तरह से मार दें और हमारा जो माइक्रोवेव हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। और इस तरह से कर देने से आपको महीनों जो है साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आशा करती हूँ कि कुछ आपको आइडिया मिला होगा। और इस तरह से क्लीन करिए आपको हमेशा जो है सुविधा रहेगी। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।